वाईदू न्यूज़। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, पाक मीडिया की खबर आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है और आप जब सब्सक्राइब नहीं करते हो तो वीडियो बनाने का हौसला कम हो जाता है। कृपया सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई वीडियो गलत लगती है तो हमें कॉमेंट करके बताएं और पाकिस्तान को क्या मैसेज देना चाहते हैं कॉमेंट में बताएं। जो इंडिया के पास कुछ नहीं है करने को, एक और उन्होंने एक जो है इल्ज़ाम तराशी शुरू की हुई है, कुछ उस हवाले से भी बात करेंगे। जी समी साहब जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि कौमी असम्बली का इजलास था और उसमें ना प्राइम मिनिस्टर आए ना लीडर ऑफ द अपोजिशन आए, तो सबसे दो बड़े लीडर हैं किसी भी डेमोक्रेसी में, पार्लियामानी निज़ाम में, एक तो लीडर ऑफ़ द हाउस जो प्राइम मिनिस्टर हैं और दूसरे लीडर ऑफ़ द अपोजिशन जो शहबाज शरीफ साहब हैं। अब शहबाज शरीफ साहब लंदन से तो आ गए हैं पाकिस्तान, लेकिन अपने घर से निकल के उनकी हिम्मत नहीं हो रही कि वो आएँ और कौमी असम्बली के इजलास में शरीक हों। कहते हैं कि डॉक्टर्स कहते हैं कि उनको बड़ा ख़तरा है। हाँ, ये मैंने पढ़ा। तो अब अल्लाह ताला रहम करे, लेकिन आज एक बात मैं आपसे कह दूँ, जितनी हुकूमत और अपोजिशन ने एक दूसरे को बुरा भला कहा है ना, अगर इतनी शिद्दत से कोरोना को बुरा भला कहा जाता ना तो हो सकता है वो शर्म से कोरोना फौत ही हो जाता। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये यानी आज एक बड़ी हैरत की बात थी कि बजाय कोरोना को बुरा भला कहने के ये आपस में बुरा भला कह रहे थे, जैसे वो ताने थे और की औरतें नहीं लड़ रही होती, कपत्ती औरतें कुछ वैसा हिसाब नहीं। अब देखें, ये खवातीन कपत्ती मैं तो नहीं कह सकता, ये आप ही कह सकती हैं, मैं तो खवातीन को कपत्ती नहीं कह सकता। क्योंकि अफसर के ऊपर आप देखें तब ये कटे हैं, किसी और मामले के ऊपर चल जाएं अपोजिशन फिर कटी है, हुकूमत के खिलाफ बात करनी हो तो कटी है, और जब इजलास इनकी रिक्वेस्ट पे बुलाया गया और बात ये की थी कि भाई सिर्फ कोरोना के ऊपर फोकस होगा, कोरोना से मुराद ये नहीं है कि आपने कोरोना का नाम लेके इल्ज़ाम तराशी एक दूसरे पे शुरू करनी है। चाहिए और बहुत सारे लोग आए भी नहीं ना। जी बहुत सारे, देखिए उनमें लिस्ट है, सर फवाद चौधरी साहब भी नहीं आए, खुसरो बख्तियार साहब भी नहीं आए, महबूब सुल्तान साहब भी नहीं आए, जरदारी साहब भी नहीं आए, राना तनवीर साहब भी नहीं आए, खुर्शीद शाह साहब तो हिरासत में हैं इस वजह से नहीं आए, और क्या इतना खर्चा ने तो अपना खत भेजा। अभी आपने आप मुझे बताया ना क्या हासिल क्या हुआ आपको इस इजलास से। देखें बात यह है कि एक सिस्टम को चलाने के लिए उसके अंदर आपका जाके बात करना, कोई तजावीज़ देना, मीनिंगफुल गुफ्तगू करना ही इस बात की गारंटी होता है कि ये सिस्टम आगे चलेगा। अब आप इजलास हो गया, एक तो मुझे ये समझ नहीं आई, मैं फवाद चौधरी की इस बात से मुत्तफिक हूँ कि अगर बहुत सारे लोग आपके जो सेनेट के और कौमी असम्बली के जो स्टाफर हैं उनमें अगर कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आ गया है तो यार आपने कौमी असम्बली का इजलास क्या करना है? ये गालियां निकालनी है आपने, तो ये मीडिया मैन से आप टेलीफोन पर बात करके एक दूसरे को निकाल लें, बुरा भला तो आप कह ही रहे हैं, कोई खैर की तो खबर है ही नहीं आपकी तरफ से। और दूसरी तरफ दुश्मन क्या कर रहा है, इंडिया क्या कर रहा है, आपको बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक उन्होंने ऐसी मुनज़्ज़म कैंपेन पाकिस्तान के खिलाफ शुरू की है जिसमें दो उसका वो दो धारी तलवार है, फिफ्थ जनरेशन वारफेयर की क्लासिक एग्जांपल है। एक तरफ वो ये कह रहे हैं जनाब कि बलूचिस्तान जो है वो कश्मीर से हम उसको रिजेंबल कर, उसको आप उसे उसको कोरिलेट कर लें, पाकिस्तान कश्मीर में कर रहा है हालांकि पाकिस्तान कश्मीर में कुछ नहीं कर रहा, कि हम बलूचिस्तान में खून की नदियां बहा देंगे। और दूसरा क्या कहते हैं, बात किस अंदाज में करते हैं कि जनाब आप हमसे किसी बलोच का लीडर मांग ले, नंबर मांग लें, किसी मरी का नंबर मांग लें, यानी पाकिस्तान के लोगों के दिलों में अपने बलोच सरदार जो हमारे भाई हैं जो पाकिस्तान के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, ताकि उनके बारे में पाकिस्तानी कौम ये सोचे कि ये गद्दार है। मैं आपको सबसे पहले वो गुफ्तगू जो है ना इंडियन चैनल से जो मेजर गौरव साहब ने जो वो की है, मैं आपको वो सुनवाना चाहता हूँ, ज़रा वो देखिए कि किस अंदाज से वो, फिर इस पे मैं आपसे बात करता हूँ कि देखिए कि वो वार किस तरह से कर रहे हैं, सुनवाइए जी ज़रा। अभी आपने गुफ्तगू सुनी सारी, एक तो वो खुल के कह रहे हैं कि जी हम बलूचिस्तान में खून की नदियाँ बहाएंगे, दहशतगर्दी की वारदातें आप देख लें पिछले चंद दिनों में कितना इजाफा हुआ है,
हमारी मुसल्ला अफवाज के जो पेट्रोल करने वाले जो दस्ते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवान, उन पर हमला किया गया। अभी पिछले दिनों 2-3 दिन पहले एक हमले में 6 लोग हमारे शहीद हुए और उसमें उनमें एक मेजर भट्टी भी खूबसूरत नौजवान था, अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे। और उसके पता नहीं वो उसकी माँ और उसका बाप और उसके बहन भाई कैसे उस सदमे को बर्दाश्त करेंगे, इतना खूबसूरत नौजवान और इनकी नज़र हुआ। और दूसरी तरफ कि जी हमारे पास हर मरी का टेलीफोन नंबर है, हर बुकटी का नंबर है, यानी ये तासुर देने की कोशिश कि जो बलूचिस्तान के अंदर जो सरदार हैं, क्योंकि ट्राइबल सिस्टम है वहाँ पे, वो इनके साथ, कतई तौर पर गलत और बेबुनियाद है। आज मैं आपको ये बयान सुनवाता हूँ जो वहाँ पर जो जिनका ये डेरा बुकटी का जिक्र करके ये रिटायर्ड मेजर गौरव बड़ी बहुत ज़्यादा अपनी औकात से बढ़कर गुफ्तगू कर रहा था। ज़रा सुनवाइए, पास जो हमारे पास जो वीडियो पैगाम है बलोच सरदारों के इस प्रोपेगेंडे का मुकाबला करने के लिए, सुनवाइए ज़रा। मैं वडेरा जलाल खान कल्पर कबीले का चीफ, मेरा ताल्लुक सुई जिला डेरा बुकटी सूबा बलोचिस्तान से है। मैं इंडिया वालों को बताना चाहता हूं कि आप लोगों के पास जो आज आप लोगों ने जो प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है कि बलोच हमारे साथ हैं, आपने बुकटी मरी और मेंगल का नाम लिया, सवाल पैदा नहीं होता कि कोई बुकटी या कोई मरी या मेंगल, ये ऐसे तीनों गैरतमंद कौमें हैं जिन जितनी आपकी कोई सोच है, सवाल पैदा नहीं होता कि कोई आप लोगों का साथ दे, कोई साथ नहीं देगा, हम अपने मुल्क के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं, थे और रहेंगे। दूसरा आपने बात की इसकी कश्मीर की, तो कश्मीर का ये भी मैं आपको खुशखबरी देता हुआ चलूं कि यही तीनों कौमें मरी बुकटी और मेंगल सबसे पहले यही कौमें आएंगी कश्मीर में और कश्मीर को फतह करके कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाएंगे इंशाअल्लाह। और आप लोग इस खुशफहमी में बिल्कुल ना रहें कि कोई वीजा बनेगा मुल्क में, हमारे मुल्क में ना कोई वीजा बना है ना बनेगा, हमारा मुल्क एक था और एक रहेगा इंशाअल्लाह, हम लोग एक ही हैं। ये आपने कल्पर कबीले के जलाल खान साहब जो उनके सरबराह थे, आपने उनकी बात सुनी। अच्छा, ये बहुत प्रोपेगेंडा होता है जी, बुकटी जी, अकबर बुकटी की जो औलाद है, अकबर बुकटी के साथ बड़ा जुल्म था, वो यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि वो जो भी वाक्या हुआ कोई भी उसको कंडोन नहीं करता, नहीं होना चाहिए था, लेकिन ख़ुद उन्होंने ब्लास्ट किया। मैं अभी आज उस वाक़े पर बात नहीं करता क्योंकि वो इशू नहीं है, लेकिन जो उनकी औलाद है, जो वहाँ पर नुमाइंदे हैं, मैं आपको उनकी ज़ुबानी मैं आपको सुना देता हूँ, उनका पैगाम मैं आपको सुना देता हूँ। और ये इट इज़ फॉर इंडियंस, ये इंडियन मीडिया के लिए और ये उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं और सोचते हैं कि पाकिस्तान में वो अपना जो ये जराइम का खेल है वो खेल सकते हैं या कुछ साजिश कर सकते हैं, ये सब उनके लिए। सुनिए जरा, इंडिया के मीडिया ने ये दावा किया है कि बलूचिस्तान के लोग यहाँ एक आजादी की तहरीक चला रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। उसका मैं जवाब देने के लिए एक मैसेज देना चाहता हूं, और जो लोग मुझे पहचानते नहीं हैं उनके लिए एक छोटा सा तारुफ भी करूंगा। मेरा नाम वाहराम बुकटी, मेरा ताल्लुक डेरा बुकटी से है, वहां का जी मैं MBA हूं, मेरे दादा नवाब मोहम्मद अकबर खान बुकटी हैं। तो मैं वापस आता हूं कि वो वीडियो के अंदर एक आदमी बैठकर दावा कर रहा है कि 20 साल बाद बलूचिस्तान के हालात इतने ख़राब हो जाएंगे कि हमारे जो भाई आज हम मिलकर बैठे हुए पाकिस्तानी सारे, कि उनको वीज़े का ज़रूरत होगा बलूचिस्तान में आने के लिए। और वो एक आदमी जो शख्स जो पूरा एक इंजीनियर एक प्रोपेगेंडा चल रहा था, वो अपना फ़ोन उठाकर बार बार बता रहा था कि आप मेरे से नंबर मांगे, मैं डेरा बुकटी के लोगों के नंबर आपको दूंगा, बलूचिस्तान में मुख्तलिफ कबीलों के मुख्तलिफ सरदारों के नंबर दूंगा। तो मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूं कि आप हमारा नंबर देकर क्या सबूत देना चाहते हैं, आप क्या प्रूफ करना चाहते हैं। मैं आपको अपना नंबर दे देता हूं और यही मैसेज में मैं आपको ये भी बता देता हूं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा था, है
और रहेगा। आप मेहरबानी कर कश्मीर का फिक्र करें, इंशाल्लाह ये हमें यकीन है कि कश्मीर भी बनेगा पाकिस्तान। ये मैं आपको चैलेंज देना चाहता हूँ, बुगटी कौम का एक नुमाइंदा होते हुए, आवाम का नुमाइंदगी मैं करते हुए बताना चाहता हूँ कि हमें हमारे मुल्क से जितना मोहब्बत है मेरे ख्याल में और किसी को नहीं है। और इसके लिए खासकर बुगटी कौम ने बहुत से कुर्बानियाँ दी हैं पहले माजी में और मजीद देंगे। ये पाकिस्तान हमारी जान है, हमारी शान है, और ये प्रोपेगेंडा मेहरबानी कर आप गुमराह करने के लिए चंद पैसे लेकर ऐसे मैसेजेस मीडिया में बेशक दें, अपने आप को बेशक प्रमोट करें, लेकिन ये जरूर बताना चाहता हूं जब तक हम हयात हैं पाकिस्तान का हमारे खूनों में दस्ता है और चलता है, और इसकी दिफा के लिए सारे बलोच कौम एक साथ खड़े हैं, और इंशाल्लाह कश्मीर में भी आप बलोच को ही पाएंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्दी कश्मीर भी पाकिस्तान बनेगा। इसलिए आप लोगों को, साथियों को ये मैसेज, ये वीडियो का जो वायरल हुआ था इसके हवाले से बताना चाहता हूँ, और ये मैसेज दिया है कि कम से कम अगली मर्तबा अगर इंडिया को ऐसा कोई प्रोग्राम, ये आपने नाजरीन आपने खुद सुना अपने कानों से, और इस तरह की बेशुमार वीडियोस हमारे पास हैं। मेरे पास मैसेजेस बहुत बलूचिस्तान से आ रहे हैं, हमारे मेरे हमारे ब्यूरो चीफ हैं फैसलाबाद के खावर अब्बास, उन्होंने भी मुझे दो तीन चीज़ें फॉरवर्ड की, उनके पास भी इतने मैसेजेस, जहाँ जहाँ जिसके पास नंबर था बलूचिस्तान से, जब ये वीडियो क्लिप वायरल हुआ, ये देखें, ये एक सोशल मीडिया एक लिहाज से ब्लेसिंग भी है कि जो प्रोपेगेंडा किया गया, जो तासुर, ये उनकी, ये जो मेजर रिटायर जो इंडियन आर्मी का था उसकी वीडियो तो वायरल इसलिए की गई कि शायद को पाकिस्तानियों के दिल तोड़ सकें, उनके जज्बात से खेल सकें, लेकिन उसका जवाब खुद लोगों ने देना शुरू कर दिया और अपनी वीडियोस, अब देखें ना, हर बंदे के पास कैमरा है, फोन में लगा हुआ है, वो उसकी वीडियो बनाता है और भेजना शुरू कर देता है। थप्पड़ सीट किया वैसे गौरव के मुंह पर। ये मेरे पास, आप यकीन करें, मैंने चलाया नहीं इसलिए कि प्रोग्राम का टाइम जो है ना वो लिमिटेड है जरा, लेकिन वो तमाम दोस्त साथी जिन्होंने हमें ये वहां से मैसेजेस भेजे हैं, आम आदमी भी है वहां पर, ट्राइबल एल्डर्स भी हैं, उनके बच्चे भी हैं। सरफराज बुगटी साहब का मैसेज आया पड़ा मेरे पास, जो पहले वजीर दाखिला रहे हैं उसके बलूचिस्तान के, और कितने लोगों के, जिन लोगों को मैं जानता भी नहीं हूं। बात यह है कि ये, लेकिन ये दुश्मन का एजेंडा है। अच्छा, फिर बात यहां पर नहीं है, अफगानिस्तान के अंदर भी इस वक्त मुर्तजा क्या हो रहा है, पाकिस्तान ने अमेरिका और तालिबान को साथ बिठा के एक एग्रीमेंट करवाया जिसके नतीजे में खित्ते में अमन कायम हुआ, होने जा रहा है अमन, उस मुआहदे को खराब करने के लिए, सेपोटाज करने के लिए इंडिया बिल्कुल भरपूर तौर पर एक्शन में है। वहां पर उन्होंने पहले, आपको याद होगा, जिस वक्त ये तालिबान का मुआहदा साइन होने वाला था और कैंप डेविड में तालिबान के लीडर जाने वाले थे, तो एक काबुल में धमाका कराया जाता है, उसमें एक फौजी मरता है और अमेरिका का, और फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप उसको ख़त्म कर देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर जॉन बोल्टन को फायर करते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, इसलिए कि वो साजिश के ताने बाने कहीं और बुने जा रहे थे। अब क्या हो रहा है, अब एग्रीमेंट हुआ है, जिस एग्रीमेंट के तहत 5000 जो प्रिजनर्स हैं अफगान हुकूमत के पास, उन्होंने वो रिहा करने हैं, और 1000 जो अफगान अहलकार हैं तालिबान के पास, वो उन्होंने रिहा करने, बतदरीज इस मामले में वो गुफ्तगू चल रही थी, और अभी तक जो अफगान हुकूमत है उसने तकरीबन 1000 लोग 5000 में से रिहा कर दिए हैं, और तालिबान ने तकरीबन 190 या 200 के लगभग जो उनके पास बंदे थे उनको रिहा कर दिया। तो अब एक अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर के अगवा का मसला आ गया, जनवरी के एंड में मार्क फ्रीक उनका नाम है, उनको, वो रिटायर्ड नेवी के हैं लेकिन एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर थे, वो अगवा हुए। तालिबान ने ये बताया कि हमारे पास वो नहीं है, उन्होंने सारे ग्रुप्स चेक किए अपने, ये जो भी पिछले दिनों जलमे खलीलजाद आए हुए थे ना जी, उनकी आमद का एक मकसद ये भी था कि वो आके उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा से भी बात की, उन्होंने मुल्ला ब्रादर जो हैं अफगानिस्तान अफगान तालिबान के जो रहनुमा, उनसे भी उन्होंने बात की, और
तालिबान ने अपने तमाम रैंक्स में चेक करके उनके जो स्पोक्समैन, उन्होंने बाकायदा तौर पर यह कहा है कि हमारे पास जब कैदी थे हमने उनकी वीडियोज़ दी, उनका हमने बताया खैरियत से हैं और ये हमारी डिमांड्स हैं, और फिर उसके नतीजे में हमने मुज़ाकरात के बाद उनको रिहा भी किया, लेकिन अब ये जो कॉन्ट्रैक्टर है ये हमारे पास नहीं है, और इसमें ज़्यादा सस्पिशियस जो जो लोग बताते हैं, जो एक एक जो शक करते हैं, वो ये है कि ये ऐन मुमकिन है कि भारत नवाज किसी ग्रुप ने उनको अगवा किया हो और उसका मलबा डाला जा रहा है हक्कानी ग्रुप पे। अच्छा, इस हवाले से मैं आपको बताऊं, प्राइम मिनिस्टर कोशिश कर रहे हैं, देखिए इमरान खान की सूरत में ना पाकिस्तान को एक ऐसा फेस मिला है, एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर मिला है पाकिस्तान को जो यानी दुनिया उस पर एतमाद करती है। प्राइम मिनिस्टर से बात की डोनाल्ड ट्रंप ने, सारा ये जो मामला हो रहा है, पाकिस्तान ने ईरान से भी बात की कि ये किसी प्रो ईरानियन अगर वहाँ से किसी ग्रुप ने किया हो तो पाकिस्तान पूरी कोशिश करे, नेक नियती से मुर्तजा पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर खान, ये दोनों हाथों में हाथ डाले, एक पूरी भरपूर कोशिश है कि अफगानिस्तान में अमन कायम हो और वो जो एक पुरानी बात थी वो सारी की सारी खत्म हो जाए, नई तरजीहात नई रियलिटीज़ के साथ दुनिया में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इंडिया, मैंने आपको देखें बलूचिस्तान को वो कोरिलेट कर रहा है कश्मीर के साथ कि जी तुम कश्मीर में ये कर रहे, हालांकि पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा, मैं बलूचिस्तान में खून बहा दूंगा मैं वहाँ पर, और फिर बलोच सरदारों से पाकिस्तानी अवाम को बदजन करने के लिए ये कहना कि हमारे पास उनके नंबर है, आपने खुद उनकी गुफ्तगू सुन ली, दूसरी तरफ अफगानिस्तान में ये, तो ये चैलेंजेस हैं, कितने बड़े शदीद चैलेंजेस हैं, इकॉनमी इसके अलावा है, कोरोना इसके अलावा है, अब मुझे बताएं ये सब कुछ जहन में रख के आज आप देखें कौमी असम्बली में क्या हुआ, क्या कहता है आपका दिल? फिर शर्म से डूब मरने का मुकाम है कि इस वक्त स्ट्रेटजिकली पाकिस्तान की ये पोजीशन है, पाकिस्तान के दुश्मन जो हैं वो इस तरह की धमकियां दे रहे हैं, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को थ्रेट लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पे बलूचिस्तान में इस तरह कर देंगे, ये आज की बात नहीं है समी साहब, ये 70-72 सालों से इसी तरह से धमकियाँ पाकिस्तान को देता है, कर कुछ नहीं सकता, लेकिन स्ट्रेटजिकली जिस तरह इसने पहले नुकसान पहुँचाया कुलभूषण की शक्ल में, इस तरह के दीगर जो वहाँ पे हमारे इनके लोग यहाँ काम कर रहे थे उनकी शक्ल में, और ये इस तरह से एनआरकी फैलाना चाहता है कुछ सरदारों का नाम लेके, ऐसी कोई बात नहीं है। कुलभूषण यादव से तो हमें पता ही चल जाता है कि बेसिकली इसमें हमारे सरदार और हमारे लोग शामिल नहीं है क्योंकि ये होते हैं हिंदू और ना मुसलमानों के इस्तेमाल करते हैं जी, बिल्कुल ये तो इनकी औकात है ये, और ये किया क्या जा रहा है जब आप इसको कोरिलेट आपने किया है, बहुत अच्छे पैराए में आप चीज लेके गए हैं कि अगर दुनिया एक तरफ अफगानिस्तान में हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं, एक तरफ इंडिया साजिशें कर रहा है, और उसके साथ साथ हमारे पास चैलेंजेस कृत्य के क्या हैं उनको हमने देखना है, अमन कायम करना है अफगानिस्तान में, कश्मीर में हम कुछ नहीं कर रहे, उसके बावजूद हमारे ऊपर रोजाना इल्ज़ाम कभी पुलवामा कभी कुछ किया जा रहा है, और हमें ये भी नज़र आ रहा है कि शायद कोई एडवेंचर करने की इंडिया कोशिश कर सकता है वहाँ पर इस तरह का पाकिस्तान का, जिस तरह पहले उन्होंने करने की झूठे नाकाम कोशिश करेगा तो अभिनंदन को नहीं भूलना चाहिए, तो हमने चाय भी पिलाई थी और चित्रौल भी बहुत की जी, बिल्कुल ना भूले आप।